नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, ये अभी जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था थोड़ी देर पहले, कंबाइंड लोअर टू एग्ज़ाम का, जो UPSSSC ने लिया है एग्ज़ाम, आज की डेट में एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, और उसका जो है आंसर की मैंने अभी पार्ट वन अपलोड किया था, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी का मैं पार्ट टू आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें 26वें क्वेश्चन से आगे के बारे में मैं आपको बताऊँगा, इसके आंसर बताऊँगा, आप लोग अपने आंसर मिला लीजिए, और सारे आंसर बता देने के बाद पूरे 175 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, और इसके सारे आंसर बताने के बाद शाम को मैं इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा आपको कि कितना कट ऑफ जाएगा इसका और कितने पर आपका सिलेक्शन होना है। तो दोस्तों, ये पार्ट टू वीडियो हम बता रहे हैं आपको, आप अपने आंसर मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में किया गया, आंसर डी सही है, जब श्री आंध्र प्रदेश का गठन पहली बार इस पर किया गया था भाषा के आधार पे। द आइलैंड ऑफ होन्सू इन जापान इज फेमस फॉर, जापान का होन्सू नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, क्वेश्चन अजीब वगरीब है, इस तरह का क्वेश्चन पहली बार मैंने देखा है, कोयला, लौह अयस्क, तेल, हीरे, तो सही आंसर इसका है सी, तेल। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम वेंटिक, लॉर्ड रिपन, तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? नेहरू जी ने, गांधी जी ने, जेपी नारायण ने और एमएन राय ने, तो इसका सही आंसर जो है वो है डी, एमएन राय जी ने जो है 1935 में संविधान सभा का सुझाव पारित किया था, प्रस्तावित किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? इन प्रेजेंट डे कंप्यूटिंग विच कोड इज यूज्ड एंड इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है ASCII, और इसके बाद दिया है होलरिथ कोड, और ETCDIC दिया हुआ है, और ISCII दिया हुआ है, तो जो सही आंसर इसका है वो है ए, ASCII, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, द नॉवेल व्हेन द रिवर स्लीप्स इज रिटन बाय, व्हेन द रिवर स्लीप नॉवेल को किसने लिखा था? इसका जो सही आंसर है वो है स्टेरिन कायर, स्टेरिन कायर यानी कि डी में जो दिया गया है, विक्रम सेठ गलत है आंसर, और अनुराधा राय गलत है, शोभा डे गलत है, स्टेरिन कायर जो है इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं, 32, हाउ मेनी नोबेल प्राइज अवार्ड आर अवार्डेड ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 5, 7, 4, 6, आंसर डी है। हु इज इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब WWW, इसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्न्स ली, मार्टिन कपूर, आर सैम्पल टर्मिन्स, चार्ल्स बेबेज, इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली ने, ऑप्शन ए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ये है, जलीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है, जलीकट्टू के साथ क्या चीज़ जुड़ी हुई है? त्रिचूर, कार्तिकाई, ओणम, पोंगल, क्या चीज़ जुड़ी हुई है जलीकट्टू के साथ? इसका सही आंसर है पोंगल, ऑप्शन डी सही है, कैंडिडेट ने सही लगाया हुआ है जिसका मैंने पेपर लिया हुआ है। सुब्रमण्य भारती वाज नोटेड, सुब्रमण्य भारती एक प्रसिद्ध थे, क्या प्रसिद्ध थे ये? मुक्केबाज थे, कवि थे, तैराक थे, चित्रकार थे, क्या थे? इसका सही आंसर है ये कवि थे, पोएट थे, ये पोएट्स थे।
क्वेश्चन नंबर 36, विच फ्रीडम फाइटर एड्रेस महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। ऑप्शन हैं इसके जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने इनको सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। इसका सही आंसर बी है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया हुआ है विक्रम सेठ, अरुण री, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी। तो इसका सही आंसर है 37 क्वेश्चन का विक्रम सेठ, ए आंसर सही है इसका। अब नेपाली जो प्राइमरी स्पोकन इन विच स्टेट, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। देखिए कर्नाटका तो बिल्कुल नहीं बोली जाएगी नेपाली, कर्नाटका कहाँ है, भारत के बिल्कुल नीचे है, और नेपाल कहाँ है, ऊपर है। राजस्थान भी नहीं नज़दीक, आंध्र प्रदेश भी नज़दीक नहीं, सिक्किम उसके बिल्कुल बॉर्डर टच करता है, तो सिक्किम में ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो अभी ये इसका क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए वर्ष 2016 की ऑस्कर विजेता फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ भाषा के लिए द सन ऑफ सॉल, एम्ब्रेंस ऑफ द सेपरेट मस्टैंग, ए वार। इसमें से कौन सा आंसर सही है, इसमें जो है सन ऑफ सॉल, सन ऑफ सॉल ये आंसर सही है इसका, ए ऑप्शन सही है। के श्रीकांत वॉज वन अर्जुन अवार्ड फॉर विच स्पोर्ट इन इंडिया, किस खेल के लिए के श्रीकांत ने अर्जुन अवार्ड जीता। बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, मुक्केबाजी, शतरंज। प्रश्न नंबर 40 आंसर है इसका बैडमिंटन। फेमस खजुराहो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स इज इन विच स्टेट, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश में है, आंध्र महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश में है खजुराहो। दूरदर्शन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दूरदर्शन की स्थापना 1939, 1949, 1959, 1969 कब हुई थी, 1959 में हुई थी। सी ऑप्शन सही है, सी। बुलंद दरवाज़ा वॉज बिल्ट बाई, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा हुमायूं, बाबर, औरंगजेब, इसमें से किसी के द्वारा नहीं, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अकबर जो है अपने विजयों, जो बहुत सारी विजय अकबर ने की थी, बहुत सारे राज्य जीते थे, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। 43 क्वेश्चन हो गया, बातें आगे क्वेश्चन नंबर 44 पे। यह देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, लोबन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं, और लोबन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है ये, और इसका ऑप्शन दिया गया है गोल्फ, बेसबॉल और बास्केटबॉल, मुक्केबाजी। क्या खेलते हैं, तो ये खेलते हैं बास्केटबॉल। लोबन जेम्स अमेरिकी प्लेयर हैं और ये बास्केटबॉल खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ। मिथाइल आयनोसाइनेट, मिथाइल आइसोक्लोरेट, मिथाइल फॉस्फेट, मिथाइल आइसोप्रोपेट। आंसर ए सही है, मिथाइल आइसोसाइनेट इसका रिसाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से क्या है। ऑक्सीजन और सिलिकॉन है, सिलिकॉन एल्युमिनियम है, सिलिकॉन और आयरन है। क्या है इसका आंसर, आंसर है सिलिकॉन और आयरन, सी आंसर सही है। हु वॉज अपॉइंटेड बाई बाबर एज हिज कोर्ट म्यूजिशियन, दरबारी संगीतज्ञ के रूप में बाबर ने किसको अपॉइंट किया था, किसको नियुक्त किया था। अबुल फजल, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल। मियाँ तानसेन इसका सही आंसर है। 47 क्वेश्चन हो गए, 48 पे आते हैं। टू बी वोटर इन इंडिया व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग एज, वोटर बनने के लिए भारत में कितनी कम से कम एज होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए एज। क्वेश्चन नंबर 49,
किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर, महाबोधि मंदिर समूह। आंसर है महाबोधि मंदिर समूह पी। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा? लोकसभा में कितनी सीटें रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो इसमें जो दिया है, अभी तो सीटें इसमें बढ़ गई हैं, अब ये देखना पड़ेगा कि कितनी सीटें रिजर्व होती हैं। जिसे एसटी की थी, एसटी की जो है सीट पहले 41 थी तो वो 47 हो गई है। इसी तरह से बाकी की सीट भी बढ़ गई है, तो और एससी की जो सीट है वो पहले 79 थी, तो ये पहले 41 थी एसटी की और 41 एसटी की थी प्लस 79 एससी की थी। तो यहाँ पे दोनों का पूछा गया है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब दोनों पूछा गया है। तो ये दोनों मिला के 120 होती थी पहले, 120 होती थी, अब इसमें सीटें बढ़ गई हैं तो 131 सीटें भी हो गई हैं इसमें दोनों मिला के, क्योंकि ये 41 जो है 47 हो गई है, 41 हो गई है, और जो 79 है ये हो गई है 79.84 हो गई है, 79 जो है 84 हो गई है, 84 यहाँ पे 84 है, तो ये दोनों मिला के 131 सीट हो गई हैं। डी ऑप्शन सही है इसका। विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंप्राइसेस ऑफ द अलाई दरवाजा? अलाई दरवाजा जो है किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? हुमायूं की मकबरा में है, महाबोधि मंदिर समूह में है, कुतुब मीनार में है, लाल किला परिसर में है। अलाई दरवाजा थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको सही इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मेरे हिसाब से तो ये इसका आंसर डी है, बाकी मैं अपने अगले पार्ट में इसका आंसर खोज कर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा वीडियो का पार्ट टू था, 51 क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व कर दिया है आपके, 51 से लेके आगे के क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में लेके आऊँगा, और उसके लिए आपको अगला पार्ट का नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसके आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी ही आपसे मुलाकात होने वाली है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।